मधु, गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी टिंडे। टिंडे के फ़ायदे में यह है कि दिमाग को फरत और ताकत पहुँचाते हैं, हाथों और पाँव की जलन के लिए मुफीद है। इसके अलावा मौसम गर्मा में आम और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को टिंडों का इस्तेमाल कितना मुफीद है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानिब। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे टिंडों के इस्तेमाल की। टिंडे अपनी ब्रोथ यानी सर्दी के बायस बुखार की हिद्दत और तेज़ी को कम कर देते हैं। नेत मकवी होने के सबब दिमाग व साब को किस कदर तकवीत भी देते हैं। ये मौसम गर्मा में गर्म अमराज और कमज़ोर नजीफ अफराद के लिए बेहतरीन गज़ा और दवा भी हैं। नेस्तर होने की वजह से दिमाग को रतूबत और कुव्वत और दिल को फरहत देकर सर की खुश्की को दूर करते हैं। नीज दिमागी खुश्की के सबब होने वाले दर्द सर के लिए भी बहुत मुफीद हैं। मौसम गर्मा की महसूस हिद्दत के साथ जब बुखार की हरारत गरीबा भी शामिल हो जाती है, सख्त बेचैनी और घबराहट होती है। चुनाचे बुखार की शिद्दत से बुखारात दिमाग की तरफ उठकर अजियान की कैफियत पैदा कर देते हैं, तो मरीज बहकी बहकी और बेमानी बातें करता है। इन हालात में भी टिंडों की मसीहाई काम आती है। चुनाचे मरीज के पाँव, हाथ और तालू पर इनका मलना और ग़िज़ा में बतौर तरकारी इस्तेमाल करना इन हालात में बहुत नफ़े बख्श साबित होता है। अगर टिंडे और गोश्त की बात करें तो मौसम गर्मा में क्योंकि गर्म मिजाज के हमर अफराद के लिए गोश्त का इस्तेमाल मना है, इसलिए इन्हें गोश्त के साथ टिंडे मिलाने की नसीहत की जाती है, क्योंकि इससे गोश्त की हिद्दत को कम करके इनके लिए फ़ायदा मंद और लजीज सालन तैयार किया जा सकता है। टिंडे मौसम गर्म और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। मौसम गर्मा फशार दम आला के मरीजों के लिए शदीद परेशान कुन मौसम बन जाता है, क्योंकि इस मौसम में इनमें सांस का फूलना, हरकत लफ्ज का तेज़ होना, मुसलसल घबराहट, बेचैनी, प्यास की ज़्यादती और फशार दम की ज़्यादती आरज होकर बहुत तकलीफ दे साबित होती है। इन मरीजों के लिए भी टिंडे की सब्ज़ी सेहत अफजा खुराक की हैसियत रखती है, यानी टिंडे की खसूसियात से फशार दम के मरीज भी काबिले कदर फायदा हासिल करके मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप में सूखा सांस लेते हैं। यानी अगर टिंडों के फायदे की बात की जाए तो टिंडे गर्म मिजाज अफराद के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और जो लोग गोश्त के ज़्यादा शौकीन होते हैं लेकिन उन्हें गोश्त ज़्यादा मुआफ़ नहीं होता, तो उनको चाहिए कि टिंडे डालकर आप जितना मर्जी चाहें गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़